कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हैवानियत के साथ हत्या के विरोध में आईएमए के आह्वान पर बिहार शरीफ के सभी डॉक्टर कल शनिवार से 24 घंटे हड़ताल पर रहेंगे। इस दौरान इमरजेंसी सेवा को छोड़कर जिले के सभी सरकारी और निजी क्लिनिक बंद रहेगा। आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने बताया कि इस घटना की जितनी निंदा की जाए वह कम है। बात एक महिला डॉक्टर की नहीं है बल्कि पूरे महिला समाज की है। अगर इसी तरह हमारी बहू बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया तो हम चुप नहीं बैठेंगे। यदि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो आगे और उग्र आंदोलन होगा। मौके पर डॉक्टर सुनीति सिन्हा ने कहा कि सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि वहां की मुख्यमंत्री महिला होते हुए भी एक महिला की दर्द को समझ नहीं पा रही है। हमारी सरकार से मांग है कि जो भी दोषी है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि इस तरह की घिनौनी हरकत न हो। हड़ताल के दौरान आईएमए सभागार में धरना के बाद डीएम को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपेंगे। मौके पर डॉक्टर अशोक कुमार, डॉक्टर ब्रिजेश कुमार, डॉक्टर अरविंद कुमार सिन्हा, डॉक्टर इंद्रजीत कुमार, डॉक्टर सुनील कुमार, अजय कुमार, डॉक्टर अभिषेक कुमार, डॉक्टर सरफराज, डॉक्टर शहजादी फातिमा, डॉक्टर अमरेंद्र कुमार मौजूद थे। एक पीजी छात्रा के साथ जो बर्बरतापूर्ण बलात्कार हुआ, हत्या की गई, इसकी घोर निंदा हम लोग करते हैं। पूरा समाज, हमारा जो मेडिकल समाज है, पूरा मर्माहित है। ऐसे दुर्दांत अपराधी के द्वारा जो कि सभी हदों को पार कर गया, एक लड़की को, एक छात्रा को जो जीवन देने के काम करती थी, ऑन वॉर ड्यूटी के दौरान उसको ड्यूटी के दौरान मार दिया गया, हत्या कर दी गई और बलात्कार कर दिया गया। इसके विरोध में हम लोग ऑल ओवर इंडिया जो है, हम लोग का जो एसोसिएशन है आईएमए है, पूर्णतः हड़ताल की घोषणा की है। उसमें जो भी हुआ, इस ट्रेनी डॉक्टर के साथ इस तरह की बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया और इस तरह से उनका बुचरी किया गया, एक तरह से इस तरह की घटना तो पहले होती रहती थी बट ये तो हाइट है। और एक महिला मुख्यमंत्री जिस स्टेट की हैं, उनके घर में अगर ऐसा हो रहा है तो इससे तो घृणित काम और कुछ हो नहीं सकता। और आज करीब हमको लगता है 8 दिन हो गए, अभी तक किसी की ना गिरफ्तारी, बस से सिर्फ एक है जिसकी गिरफ्तारी हुई है, पता नहीं वो भी मेन कल्प्रिट में आता है कि नहीं, इसमें भी संशय है। और उसके बाद की का हाइट देखिए कि दूसरे दिन जब उसके प्रोटेस्ट में डॉक्टर्स बैठे हुए हैं तो वो 2,500 आदमी एक 1:30 बजे रात में कहाँ से आता है। दैट मीन्स कि ये सुनियोजित था पहले से, कहीं ना कहीं ये लड़की कुछ अंदर की बात जानती थी जिसको वो सोसाइटी को बताना चाहती थी, जिसको सरकार को बताना चाहती थी, जिसको पुलिस को बताना चाहती थी, और उन सब चीज़ों को छुपाने के लिए उसको बंद कर दिया गया, मुँह उसको मर्डर कर दिया गया। तो इस चीज़ की घटना की जितनी भी निंदा की जाए बहुत कम है। हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि डॉक्टर्स की जो सुरक्षा है उस पर कभी भी काम नहीं हुआ है आज तक, और इस सुरक्षा को और ज़्यादा बढ़ाने की डिमांड करते हैं। और सिर्फ डॉक्टर की नहीं, यहाँ पर एक लेडी की बात हुई है, ठीक है, तो लेडी सुरक्षित नहीं है इस देश में। तो आज हम लोग सरकार से यही डिमांड करते हैं, जब लेडी अपने घर में, अपने हॉस्पिटल में, अपने कार्य की जगह पर सुरक्षित नहीं है तो कहाँ सुरक्षित रहेगी। सरकार से यही दरखास्त है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और जो विक्टिम है उसको पूरा इंसाफ मिले, और इंसाफ ऐसा मिले कि जिस तरीके से उसका मर्डर हुआ है, उसका रेप हुआ है, उस इंसान को चौराहे पे ला करके उतना ही दर्द दे के दर्दनाक मौत उसको भी दिया जाए, ताकि आने वाले जो लोग हैं जो इस तरह के सोचते हैं इस घृणित अपराध करने के लिए, उसको सीख मिले और आइंदा करने से उसका रुख कांप जाए। आज हम लोग जो कलकत्ता में जो एक पीजी सेकेंड ईयर छात्रा के साथ जो दुर्घटनापूर्ण मौत हुई है, उसके भी हाथ में वहाँ के लोग, वहाँ के जो रेजिडेंट डॉक्टर थे वो स्ट्राइक किए हुए थे। तो 15 अगस्त की नाइट में वो शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाल रहे थे, तो 2,500 लोग वहाँ उन लोग को मारपीट किए, पूरे हॉस्पिटल को तोड़फोड़ कर दिए। इसलिए हमारे आईएमए जो इंडिया है वो पूरे देश में आह्वान की है कि हम लोग 24 घंटा का फुल स्ट्राइक रखेंगे, सिर्फ इमरजेंसी सेवा देंगे, बाकी हम लोग स्ट्राइक रखेंगे। आगे अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग इमरजेंसी सेवा भी बाधित कर देंगे। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आईएमए की तरफ से हुआ है, उसका एक्चुअली आईएमए जो सेंट्रल कमेटी जो है
उसके अकॉर्डिंगली उन लोगों का नोटिस आया कि कल से, कल दिन शनिवार 17 तारीख सुबह 6 बजे से लेके अगले दिन इतवार के दिन 18 तारीख तक सुबह 6 बजे तक, यानी 24 घंटे का कंप्लीट शट डाउन मेडिकल सिस्टम का है। सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज होना, इमरजेंसी सर्विसेज कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, बाकी ओपीडी सर्विसेज और इलेक्टिव सर्जरी ये सब सब बंद रहेगा कल। और वो इसलिए कर रहे हैं कि जो जो कांड हुआ है आपको आरजीकार मेडिकल कॉलेज में, वो वन ऑफ द हीनियस्ट क्राइम इन द सोसाइटी। इतना ब्रूटिलिटी के साथ उसका रेप करने के बाद मर्डर कर दिया जाता है, आदमी वहाँ सुरक्षित नहीं है जहाँ पर अपना कार्यस्थल है। डॉक्टर के लिए हॉस्पिटल इज द वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेस, वहाँ पर मेरे घर के जैसा है। आदमी को बोला जाता है कि जितना घर में समय नहीं बिताता कोई डॉक्टर, उससे ज़्यादा वो हॉस्पिटल में बिताता है। तो घर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जगह हुआ, घर से ज़्यादा सेफ्टी का जगह होना चाहिए वहाँ पर, तो वहाँ पर सेफ्टी को कहीं दिखाई नहीं। आराम से मर्डर करके निकल जाता है, उसके साथ रेप करता है, मर्डर करता है, गैंग रेप करता है। मेरा मांग है कि जितना जल्द से जल्द जो कल्प्रिट है उसको पकड़ा जाए, जितना सख्त कार्रवाई, सख्त कार्रवाई मतलब फांसी दी जाए।